एक्सरसाइज 8.1 गिवन है हमें इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट बी, जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, बी पे है, मतलब 90 डिग्री जो हमारा है वो एंगल बी है। और हमें गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ए बी की जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी की साइड जो है, बी सी की साइड है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमें बताना है साइन ए और कॉस ए पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हमें बताना है साइन सी और कॉस सी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बेस हमें दे रखा है और परपेंडिकुलर साइड दे रखी है हमें, तो हम उससे हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है, एसी का स्क्वायर, बेस क्या है, एबी है, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर बीसी है तो बेस का स्क्वायर 24 सेंटीमीटर का, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 24 का स्क्वेयरिंग करेंगे, 24 को मतलब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ जाएगा, 576 प्लस 49, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। एसी का स्क्वायर हटाने के लिए हमने यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया, तो अंडर रूट 625 जो निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 625 आंसर आएगा, ठीक है। हम अंडर रूट में पेयरिंग करते तो एक पेयर हमने बाहर निकाल लिया, मतलब हमारे पास एसी साइड आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन ए, मतलब हमें ए निकालना है, तो एंगल ए निकालना है जो, वो हमें हमेशा याद रखना है कि वो हमेशा बेस में होनी चाहिए, कोई भी एंगल निकालना है तो वो बेस में होनी चाहिए। तो साइन ए हमने एक बार वो किया था टेबल, तो उसमें मैंने बताया भी था साइन कॉस और टैन को याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो ऐसे ही याद करना है। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज, कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज, और टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही रिवर्स कर दोगे, जब हाइपरटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दोगे तो कोसेक का हो जाएगा, और हाइपरटेन्यूज अपॉन बेस कर दोगे तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दोगे तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। तो हम यहाँ साइन ए निकालेंगे, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी दे रखा है, तो बी सी अपॉन हाइपरटेन्यूज क्या है, ए सी, हाइपरटेन्यूज है ए सी, बी सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और ए सी हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। अब ऐसे ही कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज यहाँ पुट करेंगे, बेस क्या है हमारे पास ए बी है और हाइपरटेन्यूज क्या है हमारे पास ए सी है, तो ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और बी सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। ऐसे जब साइन सी और कॉस सी का निकालेंगे तो हमें कुछ इस ट्राइंगल को उल्टा कर देना है, ताकि ये जो सी है वो हमारा बेस पे आ जाए, बेस